डॉक्टर साहब, वैवाहिक जीवन तो सबका अच्छा होना ही चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए हर किसी को। उससे खुशी भी मिलती है और सब हार्मोन्स भी सही रहते हैं, सिक्रेट होते हैं सही तरह से। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे 50 का पड़ाव है, 60 का है, 70 का है, तो ये बरकरार रखने के लिए, मतलब हर उम्र के पड़ाव पर वो बरकरार रहे वैवाहिक सुख, उसके लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करें? हाँ, क्या सजेस्ट, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हो। एक्चुअली क्या है, मैंने इस बात को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वर्षा जी। मैंने इस बात पे पहले भी काफ़ी आई हैव प्रीवियसली सेड दिस थिंग कि आप जो आपके मतलब यह वो लाइफ को मेंटेन रखने वाले हार्मोन्स हैं, दैट इज द 4 एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। इसके बारे में यदि आप पहले वाले एपिसोड देखेंगे तो उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि ये हार्मोन्स कैसे बढ़ते हैं। सबसे इसमें मेन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन्स मीन्स कि आपकी डेली मॉर्निंग वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इसके साथ में साइमल्टेनियस टू दिस समझिए आपके पास लाफिंग स्टफ इतना अच्छा होना चाहिए। जो भी हास्य कलाकार हैं उनके प्रोग्राम्स देखिए, कुछ हास्य वाली किताबें पढ़िए, आपस में बैठ के हास्य कीजिए जिससे कि आपको हंसी आए, क्योंकि हंसने से आदमी के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ने से आप यकीन माने आप चाहे 50 के हों, 60 के हों, 70 के हों या इससे ऊपर हो, आप हमेशा यंग नजर आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि प्रसन्नता का कोई अल्टरनेट नहीं है। अभी समय है और एक ईमेल सुनने का। ये है मनीषा जी सूरत से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 30 साल है। नमस्कार। और मेरे ब्रेस्ट का साइज बहुत कम है, इस कारण मेरे पति भी मुझसे दूर रहते हैं। क्या बिना ऑपरेशन इसका इलाज हो सकता है? प्लीज हेल्प मी। मैं एक बात ये आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको ऑपरेशन की राय तो कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑपरेशन में होता क्या है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उसमें उन्होंने आपको सिलिकॉन बैग्स प्रोवाइड किए। सपोज कि आपने एक बार थोड़े दिन आपको आराम मिला, लेकिन उसके बाद आप एक दूसरी बीमारी मोल ले बैठते हैं। उसके बावजूद भी यदि आपका कॉस्मेटिक सर्जन आपको ये बात कहता है कि साहब कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो आप उसे अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन यदि बाय द वे आपको ऑपरेशन में न जाना पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप नेचुरल तरीके से भी ठीक हो सकती हैं। चूँकि मैंने अपनी डॉक्टरी को आयुर्वेद में भी क्वालिफाई किया है, एलोपैथ में भी क्वालिफाई किया है, दैट्स वाई आयुर्वेद के अंदर मैंने देखा है कि दे आर सो मेनी ऑफ द मेडिसिंस। मैं आपको एक दवा तो बताई दे रहा हूँ कि आप ओलिव ऑयल ले लीजिए, जिसको जैतून का तेल कहते हैं असली वाला, और उसके अंदर बादाम का तेल मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद जब आप उसे अपने पर्टिकुलर पोर्शन पे उसको मसाज करेंगे आपको इससे निश्चित लाभ मिलेगा 101%। लेकिन फिर भी यदि कोई बाई दिवे कमी है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे बच्चे के समान हैं, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको इसके बारे में जितना भी मार्गदर्शन हो सकता है दूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकांश बहुत सारे मरीज इस टाइप के कैसे जाते हैं, उसके लिए लेडी डॉक्टर उपलब्ध रहती है, और यदि आप शेयर करेंगे तो मैं उसकी केयर जरूर करूँगा। हर मुश्किल हल हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है तो अच्छे जानकार की, और आप जैसे जानकारों की तो समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बसा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, उसको इन शॉर्ट में एक लाइन में कह देता हूँ कि आपका कैसा भी पास्ट था, आप फ्यूचर को मेंटेन कर सकते हैं यदि आप अपने प्रेजेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। किसी जानकार आदमी ने कहा है कि कैसा भी था भूत, भूत का मतलब पास्ट टाइम, कैसा भी था भूत भविष्य तो महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। अगर आपने प्रेजेंट को संभाल लिया, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लिया, अपनी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा कर लिया, थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज योगा को भी साथ लेके, और अपने पूरे बॉडी को ब्रेन, हार्ट, स्प्लीन, ब्लैटर, किडनी यानी दिल, दिमाग, मैदा, गुर्दा, मसाना, जिगर, तिल्ली को मेंटेन करते हुए अपने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी ही सफलता नहीं बल्कि अपने देश की सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपका पारिवारिक जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, मेरी शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर संदेश है
डॉक्टर साहब आपको कितना बोलना पड़ता है, बाप रे कितनी पड़ता है। हाँ, आपने वॉइस कल्चर का भी कुछ कभी कोर्स किया है क्या? नो एंड नेवर। ये वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एब्सोल्युटली, है ना। इसीलिए मेरे हाथ के नीचे कम से कम लखनऊ और दिल्ली वाली क्लिनिक पे मैं समझता हूँ कम से कम एक दर्जन असिस्टेंट डॉक्टर लखनऊ वाली क्लिनिक पे या कुल स्टाफ मिला के, और एक दर्जन असिस्टेंट डॉक्टर और कुल स्टाफ मिला के, मतलब ये वो दिल्ली वाली क्लिनिक पे डे नाइट बिल्कुल वर्किंग स्टाइल में रहते हैं। टेलीकॉलिंग तो 24/7 है। बहुत गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू हैविंग मी विद वर्षा जी। किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।